30 दिसंबर 1943 को हमने भारत की आज़ादी प्राप्त कर ली थी। ये पता नहीं कैसे क्या हो गया कि 3-4 साल लेट हो गया, लेकिन 30 दिसंबर 1943 को तो हमने अंडमान निकोबार के अंदर भारत का ध्वज लहरा दिया था। और आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ के 21 आइलैंड्स को सुभाष चंद्र बोस के जो साथी रहे हैं उनके नाम पर, हर आइलैंड को उनके नाम पर किया जा रहा है। ये उत्कल जननी का सौभाग्य है कि इस उत्कल जननी ने कितने कितने वीर पैदा किए हैं। आज हमारे एक दूसरे वीर सपूत का भी जन्मदिन है, वीर सुरेंद्र साई का, जिन्होंने वर्षों जेल में गुजारे हैं, जिनके नाम से अंग्रेज कांपता था, गुरीला वारफेयर से कांपता था। लेकिन मैं अभी पढ़ रहा था संवाद से कि उनकी जन्मपीठ अभी तक भी अवहेलित है, उसको उतना मोहब्बत नहीं दी गई है, उतना उसको सम्मान नहीं दिया गया है। लेकिन मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से लिखूंगा अभी, जाकर भी कहूंगा भी कि उनकी जन्मपीठ को भी हम उचित सम्मान देने का प्रयास करें।